ये आजकल वैसे भी सायमा थोड़े सिंपल और प्लेन से सूट पहनना पसंद कर रहे हैं। बाला मिला था ना उस टाइम पर, क्या चीज़ डाल तो दिया भाई, चेक तो कर लेते, डाल दिया मैंने। हाँ बाला रखे हुए हैं जितने, हाँ जो छोटे मोटे हैं वो इसी के गमले के ऊपर रख देना। सही है। अच्छा अब देखा, प्यारे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सही जोन। सो आज है रमजान का लास्ट रोज है और ये मैं अपना चांद रात का जो ब्लॉग है आप लोग सब शेयर करूंगा। होप आप सब लोगों को मेरे चांद रात का जो ब्लॉग है पसंद है। वैसे कोई 13 को कह रहा था, कोई 14 को कह रहा था, बट फाइनली कन्फर्म हो गया है कि ईद जो है 14 की है। सो एडवांस में आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। वैसे कोशिश करूंगा अपना ये ब्लॉग जो है 14 को अपलोड करने का, बट अगर लेट होता है तो एडवांस में आप सब लोगों को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक हो। सो फटाफट से चल के सहरी बना लेते हैं। अरे मेरा दूध भी जो है गर्म हो गया यार। सो ये है मेरी सहरी जो मैंने खुद बनाई है, वैसे बनाने वाले इसमें कुछ था नहीं। सो दूध है, दो केले हैं और खजूर। खजूर खाना सुन्नत होता है। आज के टाइम पे लोग कहते हैं मुझे केले नहीं पसंद, मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं पसंद, मुझे फलाना नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद। भाई ऊपर वाले ने जो भी दिया है ना, बहुत ही खुश नसीब हमें मिला है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। सो उनसे पूछो। सो जो भी हमने रोज़े नमाज कुरान शरीफ की तिलावत करी है उसका जो सवाब है हमें भी पहुँचाना, हर एक ज़रूरतमंद को पहुँचाना, आमीन। बाकी मैंने अब सहरी कर लिया, बाकी अब मैंने कर लिया सहरी और नमाजी मैंने पढ़ लिया, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से मॉर्निंग में, बाय। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना चाहता हूँ जिसका नाम है एक्यूमास का वेट गेनर। वो है ये एक्यूमास का वेट गेनर। इसके फायदे क्या है, ये क्या काम करता है और ये किस किस चीज़ों मिलकर बना, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये आपकी बॉडी को किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। सो जैसे कि मैंने आप लोग को इसका नाम बताया था, ये है एक्यूमास का वेट गेनर। सो ये वेट गेन करने में हेल्प करता है और इसके अंदर कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई केमिकल नहीं होता। ये कई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है और ये स्किनी टाइप के जो पतले दुबले लोग होते हैं उनका वेट गेन करने में हेल्प करता है। बाकी मेरे बड़े वाले भाई जो है वो भी इसे यूज करते हैं और कभी कभी मैं भी इसे यूज करता हूँ। सो ये 100% आयुर्वेदिक है। सो ये जो एक्यूमास का वेट गेनर है इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर अश्वगंधा, कडाली, शतावरी, खरजूरा, अमालिका फ्रूट, पेरिकप, गोक्षुरु, द्रक्षा, विदारी, वराठी, सेवा, पिपाली, मरीचा, सुंथी। सो ये जो अभी आपको मैंने नाम बताया इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता। बाकी ये जो मेरे पास वेट गेनर है ये चॉकलेट फ्लेवर का है। सो इसको मैंने जो है हल्के से गर्म दूध में इसको मिक्स करके अच्छे से मिलाया। तो अगर आप स्किनी हो और अपना वेट जो है गेन करना चाहते हो तो ये जो एक्यूमास का वेट गेनर है ये आप ले सकते हो। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इजिली बाय कर सकते हो। स्टार्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। सो ये कुछ कपड़े देख सकते हो आप जो कि मैंने ऑनलाइन शॉप किया अपनी फैमिली के लिए। सो इसमें अमायरा मतलब मेरी चारों भतीजों के लिए और सायमा के लिए। सो एक सिंपल सा सूट सायमा के लिए मैंने ऑर्डर किया था और उसे बहुत अच्छा भी लगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो ये मैं थोड़ा जल्दी शेयर करना चाह रहा था लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर किया था जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया और इसलिए मैं आप लोग का थोड़ा लेट शेयर कर रहा हूँ। सूट है जो सायमा के लिए मैंने, एक सिंपल सा सूट है बट शी लव्ड इट, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है। तो ये एक सूट है, ये इसका लोवर है और सिंपल सा है, प्लेन सा। ये आजकल वैसे भी सायमा थोड़े सिंपल और प्लेन से सूट पहनना पसंद कर रही है तो इसलिए मैंने वो चीज़ सोच के मंगाया था। इसमें है अमायरा का, हाँ जी ये अमायरा की ड्रेस है और ये है अमायरा की ड्रेस और ये मैंने फिर चारों बच्चों के कपड़े मंगाए, ये फर्स्ट क्राई से मंगाया है। सो आप भी वहाँ से बाय कर सकते हो। बाकी ये है अमायरा का ड्रेस। नाउ द नेक्स्ट इज ये अमायरा, सॉरी ये जोया और जारा सेम है एकदम। बाकी ये है जोया का और ये है जारा का, इसमें साइज का फर्क है, अदरवाइज जो कलर है और जो कपड़े का डिजाइन है वो सेम ही रखा था मैंने। बाकी अमायरा और नायरा उनका भी सेम है, बस कलर का डिफरेंस है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये आई थिंक मेरे ख्याल से जोया का है और ये है इसके नीचे की पैंट। सो ये ऑनलाइन सर्च किया काफ़ी, मतलब भाभी की भी हेल्प लिए, मम्मी की भी हेल्प लिए, सो ये मुझे समझ में आया। उसके अलावा ये सेम बस साइज का फर्क है। एंड नाउ द नेक्स्ट इज ओके। सो ये है जैसे कि मैंने बताया था ये है मिनाही का स्मॉल साइज और क्यूट सा। तो कलर का फर्क है सिर्फ, हमारा का जो है पिंक कलर का है, ये ब्लू कलर का है। सो सेम सेम। लास्ट
जो कि है कुर्ता, जो मेरे लिए आया है। और ये वैसे मैंने बाय नहीं किया है, ये मेरे को मेरे फ्रेंड ने, उसकी ऑनलाइन शॉप है तो उसने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कपड़ा काफ़ी ज़्यादा स्मूद है, काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैंने खरीदी हैं। अभी तो फ़िलहाल इसको मैंने तहस महस कर दिया है, अभी तो फिलहाल इसे मैंने ख़राब कर दिया, उसे प्रेस करके अच्छे से रख दूंगा क्योंकि कल ईद है, पहनना भी है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाई है। अगर आप चाहते हो बाय करना तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बाय बाय। क्या कर रही है सामा? तो ये देखो, ये इस तरीके से इसके अंदर कुछ चीज़ें फंस गई हैं जिसको क्लीन कर रहे हैं सामा बैठ के। और सोचो इतना बड़ा कारपेट, इतनी मेहनत करती है मेरी बहन। सो स्वीट यार सामा, सच में एक बात बोलूँ, इसको सोफे पे तू बैठ के फिर क्लीन कर, ऐसे झुक कर मत क्लीन कर, ठीक है बहन? सोफे में बैठ जा। ठीक है, और बढ़िया क्या चीज डाल तो दिया भाई, चेक तो कर लेते, डाल दिया मैंने भाई, मैंने टैग किया है, डाल दिया स्टोरी पे, मैं भी दिखा दूंगा घर पे आना अभी, ठीक है? और सब बढ़िया? चलो ठीक है भाई, ध्यान रखना, ठीक है? तो ये है पर्ल्स टॉफी जो मम्मी को बहुत पसंद है, पहले से मैं सैनिटाइज कर दूँ। आज सारे कपड़े धुल लोगी क्या? क्या छोड़ोगी नहीं? अभी ये भी रखे हुए हैं कुछ, बस हो गया, निकाल के डाल लो। ये लो। अरे कहाँ मिला? पापा तो कह रहे थे मिली नहीं रहा। मैं लेकर आया हूँ अभी मम्मी को पल्स टॉफी बहुत पसंद है एक्चुअली। मम्मी के पास ना करीबन 15-20 ना अपने पास रखते हैं। सिकंदर को भी बोलती हूँ और पापा को भी, तो कहते हैं खुशी तो देखो पल्स टॉफी की, किसी को होती इतनी खुशी? देख लो मम्मी की खुशी जरा। और ये रही हमारी नायरा, इसको पूरा यहाँ साइड से पैक कर देते हैं क्योंकि ये घूमने लगी है, सो थोड़ा डर बना रहता है, तो इसलिए साइड में तकिया लगा देते हैं। और एक बार यार गिरी भी है ना मम्मी ये, अभी तो मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले गिरी भी थी, ऐसे रखे हो तो भूल गए, तो किसी का ध्यान नहीं रहा। सो बाय फॉल्ट हो गया। काला है, काला है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आई लव यू, लव यू। हप, नहीं मैं डांट ही नहीं रहा आपको, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। अमायरा, काम वाम नहीं है तुम्हारे पास कोई? गिरा मत लेना इसको, इधर ही रख दो, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा लेकर आओ अमायरा, ये लो लकड़ी की काठी, सुना तो ये लो फोन ले लो। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा है तोड़ा। ये क्या नौटंकी हो रही है, इस लड़की ने हालत देखो क्या करी है। और ये कहाँ चढ़ रहे हो आप? हाँ कहाँ चढ़ रहे हो यहाँ पर? ये दे दो मुझे, इसे तो छोड़ दो मेरी जान, इसको इधर रखते हैं। ये देखो ऐसे रखते बीबी, इसको यहाँ रख देते हैं, इसको पर्स को मैं इधर रखता हूँ, ठीक है? और इसको मैंने इधर रख दिया, अब इधर रख दिया ताकि आपका हाथ ना पहुँचे। अरे यार पहुँच गया इसका हाथ, पहुँच गया, खतरनाक लड़की है यार ये। नीचे उतरो, गिर जाओगे नहीं तो मायरा, गिर जाओगे। आप इतने खतरनाक कब से हो गए हो? कैसे हो गए इतने खतरनाक? चलो चलो नीचे उतरो, वेरी गुड, चलो। पापा लेकिन ये ऐसे नहीं उतरेगा, ये कनेक्टेड है ऊपर से ना, इन्वर्टर जो है कनेक्टेड है बहन। छोटा ही तार है क्या इसका? छीना नहीं है, टच मत करो, उसमें हाई वोल्टेज होता है, होगा तो अंदर नहीं पापा को, ठीक है? ये टेबल हटाना पड़ेगा नीचे वाला, चप्पल वाला बाहर ही रख देना। हाँ सही है, घर के अंदर अच्छा बने, गमले रखे हुए हैं जितने छोटे मोटे है, सही है, ठीक है? और फिर एक काम करेंगे, जो वाली टेबल है ना उधर लगा देंगे साइड में, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। नहीं नहीं ये सही है, ये बनाना था स्पेस, ये अच्छा लगता है, ये स्पेस बन गया यहाँ पे, ये सोफे का हो गया। मम्मी को बोलूंगी थोड़ा और इधर करें, इसको सोफे को इधर कर देंगे थोड़ा सा, जरा सोफा जब उतर जाएगा। मम्मी ये बताओ यहाँ पे कर्टन्स ये लग गए, नए वाले कर्टन्स आ रहे हैं, नए वाले कर्टन्स है इसका कवर, सोफा कवर वो नहीं लगा है तो इसे आज नहीं लगाओ, कल ही बिछाओगे, इस पे वाला भी ये रेड कलर का होगा ना, मैरून कलर का जो लगेगा ऊपर। बाकी यहाँ पे साइमा मैगी बना रही है अपने लिए, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कुछ करने जा रही है। रहन दो पापा, इसे मत करो, सेफ नहीं है ये, आराम से बाहर से बंदा बुला के करवा लेना इसको। सो आज साइमा चांद रात के इफ्तार में जो है कुछ स्पेशल बना रही है। सो क्या है? और ये पहली बार बना रही है आने के बाद, तो मैं आज चांद रात
का इफ्तार बोलोगे, मतलब आखिरी रोजा है गाइस, तो मैं स्पेशल बना रही हूँ मैगी के पकोड़े बना रही है। हाँ, तो मैगी बॉईल कर रही हूँ, प्लेन बॉईल करना है, और उसके बाद बेसन में सारा इसका मैगी मसाला और बाकी जो भी चीजें हैं वो जाएंगी। मतलब मैंने देखा नहीं अभी तक यूट्यूब पे, सुना है, फर्स्ट टाइम बना रही है। वैसे सिर्फ बॉईल कर रही हूँ, प्लेन नमक डाल के मैं बॉईल कर रही हूँ। और ये हमारी फेवरेट तुम्हारे खास कर सदाबहार चने की दाल का चाट, इस टाइम को ज्यादा पसंद है। रेडी कर रही हूँ, वैसे तो इफ्तार तो नहीं रेडी किया, दो तीन दिन से इफ्तार रेडी समय नहीं किया। एंड गाइस कल ईद, मोस्ट प्रोबेबली कल ईद होगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी चांद दिखा नहीं है, अभी तो 6 बज रहे हैं। तो आज ही शाम से मैं बनाने वाली हूँ दो तरीके की सेवैयां, एक मैं बनाऊंगी खिमामी सेवई जर्दे वाली, फेवरेट है यार, खोए के साथ, एंड दूसरी मैं बनाऊंगी खोए मावा के साथ, कुछ दूसरी बनाऊंगी शीर खोरमा मयंक के लिए, क्योंकि कल आने वाली है मयंक यानी फहीम के जीजा जी, एंड काफ़ी फैमिली के मेम्बर्स आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली बनाऊंगी। तो उसको आप मेरे वीडियो चैनल पे देख सकते हो, मैं ब्लॉग भी शाम से शुरू करूंगी ईद का, तो सुपर एक्साइटेड। और फहीम के लिए भी कुछ ना कुछ होगा ऑब्वियसली, फहीम के ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सारी चीज़ें भी बेचारे को करनी है इफ्तार, क्योंकि अभी इसको रोज़ा लग जाता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ इससे ज़्यादा काम कराऊँ। रोज़ा खुलने के बाद फहीम को बहुत सारा काम करना है, घर की सफाइयाँ, पर्दे टांगना, धन कौन है मैं नहीं जानता, बाय। अच्छा, तो ये सारी चीजें करेगा फहीम, और वो पूरा ब्लॉग शूट होगा चांद रात का एंड ईद का, फहीम के दो ब्लॉग्स हो सकते हैं, एक ही ब्लॉग कंटिन्यू करेगा, नहीं इसको एंड करके उसके बाद अपना नया स्टार्ट करूंगा। अच्छा, तो फहीम के दो ब्लॉग्स होने वाले हैं, मेरा बड़ा हो जाएगा ना, लंबा हो जाएगा ना, तब जरूर देखिएगा। तो बाकी एक तो ये बना रही है, बाकी सायमा बनाएगी पकौड़ी, उसके अलावा कुछ सोचा है? फ्रूट चाट वो तो नॉर्मली बनता ही है। सो आज की पूरी इफ्तारी सायमा बनाने वाली है, हमारी बहन बता रहे मार मम्मी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। एक्चुअली गाइस कल रात में हमारे साथ खेल रहा था, सो ये मेरे शायद कहाँ पे अम्मी दर्द हो रहा है, उसी को आपने यार नीला हो रखा है, वो तो मैंने थोड़ी सिकाई करी थी, दवाई नहीं लगाया था, दवाई खाई भी मैंने कल रोजा खोलने, दवाई खाई, उसके अलावा मैंने मालिश भी करी थी, आज सुबह मैंने सिकाई करी, तो थोड़ा सा सुकून है। ये जो पकौड़ी खा रहे हो सायमा ने बनाई है, किस चीज की पकौड़ी खा रहे हो आप, अच्छी लग रही? हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छी है। शरबत निकाले इसमें थोड़ा सा। तो अभी सायमा ने बताया है कि ईद का चांद दिख गया है, कहाँ है सायमा, कहाँ है सायमा, मुझे तो दिख नहीं रहा। All right, so ये रहा ईद का चांद, होप आप सब लोगों को दिख गया होगा। मम्मी आई हैं चांद देखने के लिए, आप सामने देखो, एकदम सामने दिख रहा है चांद आपको, अच्छा अब दिखा, प्यारा लग रहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो चांद फाइनली दिख गया है, नायरा आपने तो विश किया ही नहीं, मेरे मीनू का भी, नहीं का भी पहली, सो नायरा की भी पहली ईद है घर में, और आप सब लोगों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक हो। अभी हमारा ड्यूटी है, बाकी मम्मी बात कर रही है, उन्हें बात कर लो आप, बाकी सायमा ने जो अपने ब्लॉग में विश कर दिया है, हमारे ब्लॉग में कर दो, सबको ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो गाइस। जी को कर दिया कर लें। ऑल राइट, सो होप आप सब लोगों को मेरे चांद रात का ब्लॉग पसंद आया होगा, और मैं अपना ब्लॉग अभी यहीं पेंड कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपना ईद का ब्लॉग भी शेयर करूंगा। सो अभी अपना ब्लॉग में यहीं पेंड करता हूँ, सो वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नए वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।